अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त आज हम अपने मोबाइल पर बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन अपने चैनल के नाम से। जो भी हमारे चैनल का लोगो है उसी के हवाले से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा खूबसूरत एनिमेशन। सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें। और चलते अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जल्द से खत्म अपनी बात को शुरू। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सीधा अपने मोबाइल के कैन मास्टर पर जाना होगा। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत इंट्रो है जो हमारे वीडियो को बहुत ही खूबसूरत बना सकता है। और जल्द से करते हैं हम अपनी बात को शुरू। आगे हम जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करते हैं अपनी बात को शुरू। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कैन मास्टर को ओपन करना होगा। ये हमारा कैन मास्टर अब ओपन हो गया। ये हमारा कैन मास्टर ओपन हो गया। और हमको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या करना है, हमको 16:9 पर क्लिक करना होगा। यह वैसे हो गया। और हमको सिंपली से जाना होगा मीडिया पर पहले नंबर पर। और इसके बाद हमको क्या करना होगा, हमने जो आइकन डाउनलोड करके रखा है ये नो कॉपीराइट है। सिंपली से हमने इसको डाउनलोड करके रखा है। इसको क्या कर लेना है, थोड़ा छोटा कर लेना है, थोड़ा सा छोटा। अब देखते हैं इसको, ये बहुत ही कमाल का इंट्रो है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपको लेयर पर जाना होगा और पहले नंबर पर आपको मीडिया नज़र आ रहा है इस पर जाना होगा। फिर इसके बाद हमको क्या करना होगा, हमने एक ऑलरेडी से एक लोगो बना के रखा है। देखते हैं हम इसको ये क्या करता है। इसको हमको इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर लेना होगा पहले से। क्या करना होगा, हमको इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर लेना होगा। ये हमारा खाका सही नहीं है बन रहा। ये इसको हमको क्या करना होगा, थोड़ा इसको हमको अब ये हमने अपना लोगो इसमें दे दिया। और अब देखते हैं ये इसके मीज़ान पर चलता है कि नहीं। फिर हमको क्या करना होगा, इसको एनिमेशन देना होगा, इसको फीड पर रखेंगे हम। अब फिर देखते हैं ये कैसे होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा इंट्रो कैसे बनता है। आप इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। और इसके बाद हमको क्या करना होगा, सिंपली से लेयर पर जाना होगा और ये आपको सेटिंग करना नज़र आ रहा है इस पर हमको क्लिक करना होगा। फिर हमने कुछ ऐसे खूबसूरत से एनिमेशन डाउनलोड करके रखे हैं, हमको वही इसमें लगाने होंगे। एक एनिमेशन ये है, इसको क्या करना हमने, इन एनिमेशन को ये रहेंगे ना, इसको हम इसी के बराबर ही रख लेंगे। अब ये देखो थोड़ा और भी छोटा करेंगे ताकि ये पूरा मैच हो जाए। ये रहेंगे ना, पूरा मैच कर जाए इसको बिल्कुल सही तरीके से। हमको इसको बनाना होगा बिल्कुल, कहीं से ये छोटा बड़ा ना हो। बहुत ही मेहनत है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग का काम करना पड़ता है। आप देखते हैं थोड़ा इसकी लाइन मुझको बड़ी लग रही है। आप देखते हैं फिर अब भी थोड़ा अलग तरीके से है। अब देखते हैं फिर दोबारा इसको, अब देखते हैं ये कैसे चलता है। थोड़ा सा हम इसको खींच ले, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा।
यह अब मेरे ख्याल में हमारा इंट्रो सही बन चुका है। थोड़ा हम क्या करेंगे, ये इंट्रो है और इसके बाद हमको इस इंट्रो को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। क्या करना होगा, इस इंट्रो को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। फिर हमको क्या करना होगा, इस इंट्रो को थोड़ा सा छोटा करना होगा। इसे क्या बराबर रखा है ना। अब देखते हैं फिर दोबारा, ये अब हमारा इंट्रो बन चुका है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, हमने एक और भी एनिमेशन बना के रखा है, उसका हमको क्या करना होगा, फिर हमको थोड़ा सा और भी हमारा काम बाकी है। हमको दोबारा जाना होगा लेयर पर और इस स्टिकर पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद हमने एक और भी एनिमेशन डाउनलोड करके रखा है। अब देखते हैं ये कैसे चलता है, फिर इसको तो देख लें इसके ऊपर हमारा कैसे चलता है। ये एनिमेशन बहुत ही कमाल का है। फिर इसका हमने क्या कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है। बहुत ही कमाल का ये एनिमेशन है। क्या कर लेना है, थोड़ा सा हमको इसको छोटा कर लेना। ये अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली से अपना ये जो लोगो बनाया ना, लोगो हमने अब हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा लोगो है ना, इसके नीचे हमको नाम लिखना होगा अपने चैनल का। मिसाल के तौर पर मेरा चैनल का नाम है, कोई भी आपके चैनल का नाम है। सिंपली से ये जो हम कहना है, इसको इसके बराबर रखना है। आपने अपने चैनल का नाम, आपने इसमें अपना नाम भी लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको आपने एनिमेशन भी देना है। और आपने क्या करना है, एनिमेशन कौन सा देना है, ये वाला आखिर में आखिरी वाला इंटरसेलेट एनिमेशन देना है। इसके बाद 0.05 कर लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं ये हमारा इंट्रो कैसे चलता है, कुछ ही कमाल का होगा मेरे ख्याल में। ये अब हमारा इंट्रो बन चुका है। अब फिर हमको क्या करना होगा, ये अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। फिर अब हमको क्या करना होगा, सिंपली से इसको सेव कर लेंगे। कहाँ से नहीं, थोड़ा काम और भी बाकी है। आपको सेटिंग पर जाना होगा और ये इसको ओपन कर लेना। इसको थोड़ा सा इधर ही खींच लेना, थोड़ा सा इधर। फिर इसको ऐसे ओपन कर लेना। फिर इसको आपने क्या कर लेना है, सिंपली से सेव कर लेना, इधर से जाकर एक्सपोर्ट कर लेना। ये हमारा एनिमेशन बन चुका है। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।